यार आजकल गूगल पे का बहुत चल रहा है, लेकिन ये बिटकॉइन क्या है यार? मेरे दोस्त इसके बारे में बहुत बातें करते हैं, ये ब्लॉकचेन और बिटकॉइन क्या होता है? हाँ जी सो गाइस, की हाल चाल, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर की ट्रेडिशनल करेंसी बन सकती है। मतलब कि जो बिटकॉइन नाम की एक करेंसी बनी है, इसको हम डिजिटल करेंसी बोलते हैं, क्या वो हमारी फ्यूचर की ट्रेडिशनल करेंसी को रिप्लेस कर सकती है कि नहीं, और ये भी जानेंगे कि क्या ये हैकेबल है कि नहीं, इसे हैक किया जा सकता है कि। चलो गाइस अब टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले समझते हैं करेंसी क्या होता है। देखो सपोज अगर आपको कोई सामान खरीदना है, जैसे आपको सेब खरीदने हैं, सपोज आपको एक दर्जन केले खरीदने हैं, तो आप क्या करोगे? आपकी जेब में पैसे होंगे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1,000 रुपए, ऐसे आप पैसे दोगे एंड अपना सामान ले लोगे। इसे बोलते हैं ट्रांजेक्शन। आपके पास एक करेंसी नोट, नोट की फॉर्म है, उस पे एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नंबर होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है। ये हो गया आपका नोट, ठीक है। अब आती है बात कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन इसका एडवांस वर्जन है। मतलब जैसे आप ट्रेडिशनल करेंसी में हमारे पास नोट होता है, पैसे होते हैं, सिक्के, पहले तो सिक्के चलते थे 58, 54 वट एवर, एंड उसके बाद नोट आए, नोट जो 500, 1,000 के जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। वो तो होगी ट्रेडिशनल करेंसी जो कई सालों से, सदियों से चलती आ रही है, और थोड़े टाइम के बाद वो चेंज होती रहती है। कभी 200 के नोट आ गए, कभी 2,000 का नोट आ गया, कभी वो बंद हो गया, ये चलता रहता है, ठीक है। अब आती है इसके बाद अगली करेंसी, इसका नाम है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जिसको बोलते हैं यूपीआई ट्रांजेक्शन। जैसे कि गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, यूपीआई ट्रांजेक्शन हो गई, कि मतलब भाई स्कैन करो और पे करो, इसे बोलते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जो कि होते हैं ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग तो सभी करते हैं, लेकिन बिटकॉइन क्या है और वो क्यों सबसे बेस्ट है, उसका भी रीजन देते हैं। बिटकॉइन इसका एडवांस वर्जन है। मतलब आइए समझो, ट्रेडिशनल करेंसी जो पैसे यूज करते हैं, पैसों में एक नंबर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो नोट अगर आपके हाथ से किसी ने चुरा लिया तो आपके पैसे गुम हो गए, राइट। अब आता है सेकंड, जो कि है गूगल पे की ऑनलाइन बैंकिंग। इसमें क्या है, इसमें हैकिंग होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ट्रांजेक्शन करने के लिए यूपीआई पिन डालना पड़ेगा, एमपिन इसको बोलते हैं, मोबाइल पिन, वो तो आप ही डालोगे तभी ट्रांजेक्शन होगी। एग्जैक्टली, आपने सपोज एमपिन डाल दिया एंड आप पब्लिक के बीच में खड़े हो, जैसे आप सपोज बस का किराया दे दो, आप यहां से कहीं जा रहे हो 1 किलोमीटर दूर, आपको बस का किराया लेना है, आपने सिंपली स्कैन एंड पे किया एंड अपना एमपिन डाला, ऑनलाइन बैंकिंग करी एंड पैसे दे दिए, गए आपके पास, ठीक है, एंड आपका पे हो गया। लेकिन क्या होता है, कभी कभी एमपिन डाल देने, सपोज आपके आस पास कोई लोग खड़े, किसी ने आपका एमपिन देख लिया, तो ऐसा हो सकता है कि आपका एमपिन हैक हो जाए एंड आपके लिए दिक्कत हो जाए, देन आप फंस गए कि क्या करें। तभी गूगल ने इसका नया सोल्यूशन निकाला, यूपीआई लाइट, जिसमें पहले से एमपिन ऑटो सेट कर दो एंड ट्रांजेक्शन कर दो, एमपिन डालने की जरूरत नहीं। ये आया यूपीआई लाइट, जो अभी लेटेस्ट है। लेकिन बिटकॉइन क्यों इससे बेस्ट है, क्यों इससे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है? बिटकॉइन क्या करता है, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी शेयर होगी ही नहीं। क्रिप्टो करेंसी का मतलब ही होता है कि डिजिटल करेंसी, मतलब कि एक तरह की ऐसी पैसे आके जो कोई देख ही नहीं सकता, कोई पता ही नहीं है कि आपके पैसे हैं। जैसे सपोज आपको, आप फॉरेन में हो, अब्रॉड में हो, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलियन, एंड यू वांट टू ट्रांजेक्शन सम अमाउंट, दैट यू आर जस्ट थिंकिंग दैट आई वांट टू ट्रांजेक्शन $250 और आई नीड टू ट्रांजेक्शन इन अ सिंपल एंड सिक्योर वे, देन यू हैव आइदर गूगल पे, फोन पे, एक्सेट्रा। बट बिटकॉइन इज क्वाइट वेरी मच डिफरेंट, बिकॉज वन बिटकॉइन प्राइस इज $60,000, $60,000 इन यूएस करेंसी, and that is most widely used. US currency is most widely used because भाई उसकी history ही ऐसी है, भाई उसकी history ही ऐसी है, British के time से जो UK, USA ये सब पे राज करते हैं, इसी कारण से कि US dollar की जो currency है वो भाई सभी मान जाते हैं एंड वो widely acceptable है, तो nothing can be changed. But Bitcoin यहाँ पे क्या role play करता है? जैसे Google पे जो आप करते हो, तो आपका account का नाम, आपके अकाउंट का नंबर, आपके अकाउंट की डिटेल आपके पास भी आती है, दूसरे वाले के पास सिर्फ आपका नंबर जाएगा प्लस उसके बाद डिटेल उसके पास भी आएगी। जैसे आपके, आपने ट्रेजरी करी 50 रुपए की, 50,000 की, तो आपके पास भी उसका नंबर आ गया, मतलब नंबर, गूगल पे को तो नंबर दिखता नहीं है लेकिन इंफॉर्मेशन दिखती है कि इस अकाउंट से है, यहां से ट्रांजेक्शन, सेम आपने जिसको भेजा उसके पास भी इंफॉर्मेशन आएगी। ये है डिजिटल मार्केटिंग में, कि ट्रेडिशनल करेंसी में तो
ऐसी इंफॉर्मेशन आती नहीं है, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग भी एक इंफॉर्मेशन आपके पास से जाती भी है सामने वाले को भी। लेकिन बिटकॉइन में क्या ऐसा डिफरेंस है कि उसको फ्यूचर की करेंसी बोला जाता है, क्योंकि बिटकॉइन ऐसी चीज है उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन जाएगी ही नहीं। मतलब ऐसा है जैसे आपको ट्रांजेक्शन करनी है 1,00,000 रुपए, ठीक है, आपके दिमाग में आएगी भाई मुझे 1,00,000 रुपए ट्रांजेक्शन करनी है, ऐसे करनी है कि वो हैक ही ना हो, तो बिटकॉइन कभी भी हैक नहीं हो सकता, उसका भी अगली रीजन है। तो बिटकॉइन क्या होता है, जब आप ट्रांजेक्शन करते हो ना 50,000 उसे कन्वर्ट करा डॉलर्स में, फिर आपने ट्रांजेक्शन करी, तो वो एक नंबर देगा, एक सिक्योरिटी की देगा, एक प्राइवेट की देगा और एक नंबर होगा, ठीक है, आईपी एड्रेस के फॉर्म में एक नंबर होता है, इतना बड़ा नंबर, मतलब 23 से 24 कैरेक्टर का नंबर होता है, कभी छोटा नहीं। अब वो नंबर आ गया, अब वो नंबर सिस्टम बाय सिस्टम ऐसे चलेगा, ब्लॉक बाय ब्लॉक। ब्लॉक चेन का मतलब होता है कि ब्लॉक बाय ब्लॉक आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है, मतलब आपके पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं ब्लॉक बाय ब्लॉक, मतलब सिस्टम बाय सिस्टम इनफिनाइट सिस्टम है, अनलिमिटेड सिस्टम है। एंड इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आपकी ट्रांजेक्शन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे सिस्टम तक जा रही है, तो आपका जो आईपी एड्रेस नहीं, मतलब जो ट्रांजेक्शन एड्रेस है वो चेंज हो गया। तो बेसिकली आपके पास सिर्फ एक एड्रेस है ट्रांजेक्शन का एड्रेस, जो कि चेंज होता रहता है सिस्टम बाय सिस्टम। तो अगर सपोज कोई हैकर आपके पैसे चुराने की भी कोशिश करे कि ये पैसे मैं चुरा लूं, तो चाहकर भी चुरा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आपका सिस्टम बाय सिस्टम जब ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांजेक्शन हो रही है ना, तो उसका एड्रेस, उसका नंबर चेंज हो रहा है। इसी कारण से हैकर को अगर सपोज आपका नंबर पता लगा 1,2,3,4,5,6, तो अगले सिस्टम पे वो जाएगा 5,6,7,8,9, उसके अगले सिस्टम पे 0,2,4,8, तो इससे क्या होता है, ये नंबर बार बार चेंज हो रहा है, तो हैकर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से ट्रांजेक्शन पे मैं हैक करूं, नंबर तो बार बार चेंज हो रहा है। तो यही कारण है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को कभी भी हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन सिस्टम का मतलब यही है कि ब्लॉक बाय ब्लॉक चेन में आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा है, आपकी करेंसी ट्रांसफर हो रही है पैसे, और आपका पास उसका सिर्फ नंबर आएगा। ब्लॉकचेन एक तरह का ऑनलाइन सिस्टम है, सॉफ्टवेयर कह लो, जिसमें वो नंबर शो करेगा आपका डाटा की फॉर्म, ठीक है, वो नंबर ऐसे होगा रैंडमली, और उस पर लिखा आएगा कि आपके इस नंबर से यहाँ ट्रांजेक्शन हो चुकी है, ना आपका फोन नंबर, ना आपकी एड्रेस, ना आपकी डिटेल, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक टोकन नंबर आएगा, वो टोकन नंबर आपको शो करेगा इस टोकन नंबर पे, इस टोकन नंबर तक ट्रांजेक्शन होगी है। और बताता हूँ सिक्योरिटी फीचर क्या है, इसमें सिक्योरिटी फीचर ये, इसमें प्राइवेट की मिलेगी, जैसे सपोज आपकी तिजोरी है, आपकी तिजोरी की चाबी है, स्पेसिफिक चाबी है, और वो चाबी या तो आपके पास होगी या आपके किसी चाहने वाले के पास होगी। तो सेम ब्लॉकचेन में ऐसा होता है कि सपोज आपको वो ट्रांजेक्शन को चेकआउट करना है कि हुई है कंप्लीट की नहीं, तो आपको एक प्राइवेट की होगी, छोटी सी प्राइवेट की, हर बार वो रैंडमली चेंज होती है, तो प्राइवेट की आप डालो आपके पास एन्क्रिप्टेड फॉर्म में रहेगी, किसी भी कॉइन डेस्क हो गया, bitcoin.com, किसी भी ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म से करोगे, CoinDCX हो गया, कुबेर हो गया, बहुत सारे, तो वहां पे वो शो करेगा, OctaFS हो गया, तो वहां पे वो प्राइवेट की जब तक आप नहीं डालोगे तब तक आप भी नहीं एक्सेस कर सकते हो अपना खुद की ट्रांजेक्शन, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है कि नहीं, बिना प्राइवेट की, बिना उस चाबी के आप कुछ कर नहीं सकते। वो चाबी बेसिकली एक नंबर है, अल्फाबेटिक न्यूमेरिक फॉर्म में एक नंबर है, या फिर आप उसे सेंटेंस फॉर्म में डाल सकते हो, सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए वो ऐसे डिजाइन कर सकते हो कि आप एक सिक्योरिटी की डाल दो, सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल दो, जो सिर्फ आपको पता है एंड वो सामने वाले को नहीं पता, आपने उसे एक्सेस किया एंड आपने वो की जिसके पास भेज रही हो, जैसे सपोज मैं भेज रहा हूं अपने दोस्त के पास, तो मैं अपने दोस्त को जब तक वो चाबी नहीं दूंगा तब तक वो भी एक्सेस नहीं कर सकता अमाउंट, तो वो प्राइवेट की मैं दूंगा तभी उसे पता चलेगा, ऐसे उसे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। अगर सपोज मैं अपनी प्राइवेट की भूल गया तो भाई ये आपकी गलती है, फिर आपको कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बिटकॉइन को इस कदर ही बनाया गया है कि आप खुद भी एक्सेस तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक प्राइवेट की एक चाबी ना हो। अगर आपके पास वो चाबी है तो आप वो अमाउंट भी एक्सेस कर सकते हो, वो ट्रांजेक्शन भी पता चल जाएगी। जस्ट इमेजिन करो ऐसी ट्रांजेक्शन सिस्टम जहां पे सेंडर और रेसिपिएंट, यानी कि सेंडर यानी कि मैं और मेरे दोस्त, हम दोनों को भी नहीं पता कि वो कहां से ट्रांजेक्शन हो रही है, जब तक प्राइवेट की नहीं डालेंगे तब तक हमें भी नहीं पता चलेगा, तो यही से अंदाजा लगा लो ना, जब जो भेज रहा हो उसे ही नहीं पता चलेगा तो और क्या ही पता चलेगा। इसी कारण से बिटकॉइन को फ्यूचर करेंसी कहा गया है, क्योंकि पेटीएम करके जो एक प्लेटफॉर्म था, पेटीएम जो बहुत पेटीएम करो तरह तरह ऐसे करके चला था,
तो वो प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि उसमें बहुत सारे लोग इलीगल ट्रांजेक्शन कर रहे थे और फंस रहे थे। इसी कारण से उसके जो ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी, इसी कारण से गूगल पे आया। गूगल पे ने अपना इनिशिएटिव लिया कि हम सिक्योरिटी देंगे ट्रांजेक्शन में, कि भाई पता ही नहीं चलेगा, ना नंबर पता चलेगा, ना कोई डिटेल, वो सिर्फ आपको पता और सामने वाले को। लेकिन बिटकॉइन जो उसका नेक्स्ट लेवल है, उसमें तुम्हारी एड्रेस के सिर्फ ना कोई इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ एक टोकन नंबर, एक प्राइवेट की, दैट्स इट। एक प्राइवेट की आपके पास, प्राइवेट की डालो, टोकन नंबर देखो एंड टोकन नंबर वहां डालो, आपको पता चल जाएगा कि ट्रांजेक्शन हुई है कि नहीं। इसमें टाइम भी लगता है, लेकिन लेकिन इसमें एक डिफॉल्ट है, मतलब एक इश्यू है। ट्रेडिशनल करेंसी में क्या है कि हम बड़े अमाउंट को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि इश्यूज आ सकते हैं। जैसे सपोज आपको लाखों रुपए की ट्रांजेक्शन करनी है, आप नहीं कर सकते ट्रेडिशनल करेंसी में, क्योंकि कोई भी सोचेगा भाई मेरे लाखों रुपए कहां से आ गए। अगर आपको करोड़ों की करनी है तब तो और बड़ी मुसीबत है, तब तो इनकम टैक्स वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे। इनकम टैक्स वाले की बोले भाई इसके पास पैसे है एंड मतलब कुछ तो गड़बड़ है, एक करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन कर रहे, कहां से कर रहे ट्रांजेक्शन। इसी कारण से गवर्नमेंट ने इस पे एक सिक्योरिटी इश्यूज इनकम टैक्स को बनाया गया कि पता तो चले ट्रांजेक्शन कहां से कर रहे हैं, कहां से कमा रहे हैं अपने पैसे, लाखों करोड़ों में कहां से कमा रहे हैं। तो ये है एक ट्रेडिशनल करेंसी का डिफॉल्ट। इसी कारण से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आई है यूपीआई बैंकिंग। लेकिन भाई यूपीआई बैंकिंग में भी एक इश्यू है, वो इश्यू ये है कि आप यूपीआई बैंकिंग में बड़े अमाउंट ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकते। एक लिमिट है ट्रांजेक्शन की 2 लाख या 3 लाख, वैसे तो 2 लाख है, किसी भी बैंक की लिमिट 2 लाख से ऊपर आप ट्रांजेक्शन कर ही सकते हैं। अगर आप लोग 20 लाख का ट्रांजेक्शन कर लिया, आप नहीं कर सकते यूपीआई बैंकिंग से, वो लिमिट ही नहीं है। अगर आप करोगे आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा एक्स्ट्रा, और जब वो जीएसटी भरोगे तो भाई वो एक्स्ट्रा पैसे आपके पास बैंक में जाएंगे, आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो आपके पास कम ट्रांजेक्शन अमाउंट बचेगा। इसी के लिए बिटकॉइन को लाया गया। और बिटकॉइन के ना मैं बता रहा हूं, जैसे ट्रेडिशनल करेंसी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जो ट्रेडिशनल करेंसी को कंट्रोल करती है। यूपीआई बैंकिंग में क्या है कि वो एक प्राइवेट कंपनी है, मतलब आप यूं समझ लो कि आपकी जो ट्रेडिशनल करेंसी है 20 रुपए का 40 रुपए का 50 रुपए का नोट, वो एक ट्रेडिशनल करेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, ठीक है। यूपीआई बैंकिंग जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है वो एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू रजिस्टर्ड, की जो गूगल पे है, गूगल कंपनी है, वो एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, उसके अराउंड वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। लेकिन बिटकॉइन किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी प्राइवेट गवर्नमेंट, किसी के रोल में है ही नहीं, वो सिर्फ आपका है, आपका था और आपका ही रहेगा। ना उसमें किसी गवर्नमेंट का रोल, ना उसमें किसी प्राइवेट कंपनी का रोल, वो सिर्फ आपका है, आपने ट्रांजेक्शन करनी है, आपके पास एक नंबर है, टोकन एड्रेस आएगा, उसे डालो एंड एक्सेस कर लो, एज सिंपल एज दैट। तो बिटकॉइन ने बेसिकली इस चीज को सिंप्लीफाइड कर दिया कि ट्रेडिशनल करेंसी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आपके बीच में इन्वॉल्व, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग में प्राइवेट कंपनी एक इन्वॉल्व है, हो सकता है उसके पास कोई डाटा आपका सिक्योरिटी रहे, क्योंकि ट्रेडिशनल करेंसी में तो जो सीरियल नंबर होता है नोट के ऊपर वो रजिस्टर्ड होता है हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हर एक नोट के ऊपर एक सीरियल नंबर होता है, रजिस्टर्ड नंबर होता है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले में, जो होता है प्राइवेट कंपनी से, जैसे कि गूगल पे, यूपीआई ट्रांजेक्शन, वो गूगल की कंपनी के सर्वर में हमारा डाटा सिक्योर्ड है, सेफ है, सेफ तो नहीं कह सकते, मतलब उनके पास है हमारा डाटा कि इस नंबर से इस नंबर पे ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उनके पास हमारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन बिटकॉइन में कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के पास है ही नहीं। जब मैं कह रहा हूं मेरे पास खुद का ही नहीं पता कि ट्रांजेक्शन हो रही है कि नहीं बिना प्राइवेट की के, तो औरों को तो पता ही नहीं चलेगा। एंड सपोज आप बोल रहे हो कि भाई तू एक बात बता इंटीग्रिटी कि जो ये प्राइवेट कंपनी से ट्रांजेक्शन हो रही है वो तो चलो हमने मान लिया, गूगल के, अमेज़न के, इनके पास इंफॉर्मेशन है, बिटकॉइन में तो सिस्टम बाय सिस्टम जा रही है, तो क्या लोगों को पता नहीं चलेगा जो इतने इतने सिस्टम से जाती है हमारी इंफॉर्मेशन? नहीं पता चलेगा, क्योंकि भाई मैं बता रहा हूँ टोकन एड्रेस तो बार बार चेंज हो रहा है, जब टोकन एड्रेस ही चेंज हो रहा है तो पता कैसे चलेगा सामने वाले को? और इतना बड़ा नंबर होता है वो, इतना बड़ा नंबर अगर वो याद भी रख लेंगे तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में वो फिर चेंज हो जाएगा, तो भाई चैप्टर ही क्लोज नहीं कर सकते वो कुछ भी। तो इसीलिए बिटकॉइन को लीगली एक्सेप्ट करना ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि बिटकॉइन हैक तो हो नहीं सकता, हैकिंग के चांसेस तो है नहीं। लेकिन हाँ, बस इतना हो सकता है कि अगर आपने गलती से अपनी सिक्योरिटी की लॉस कर दी तो दिक्कत है।
हाँ, लेकिन एक बिटकॉइन की प्रॉब्लम ये है कि आपके पास हमेशा इंटरनेट होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगी, या तो कैंसिल हो जाएगी या फेल हो जाएगी। बिना इंटरनेट के ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकती बिटकॉइन। तो ब्लॉकचेन सिस्टम में ये एक इश्यू है कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। अब आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हो, हर जगह हमारे पास इंटरनेट तो होगा नहीं ना। हाँ, तो बस ये एक इसका ड्रॉबैक है। अभी तक का फुल सिक्योरिटी जो इसमें है, लेकिन इसमें यही एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपके पास अगर इंटरनेट नहीं है तो आप ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकते हो, या तो कैंसिल हो जाएगी या फेल हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। जैसे सोशल मीडिया पर हम वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पे हम वीडियो देखते हैं, तो बिना इंटरनेट की चल सकती है अगर आप इसे डाउनलोड करो। लेकिन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो बिटकॉइन है वहां पे ऐसा सिस्टम चलता नहीं है, क्योंकि वो बहुत सिक्योर सिस्टम बनाया गया है। 2010 में तो बिटकॉइन फाइंड हुआ है, तो इसी कारण से इसको इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि हाई लेवल की सिक्योरिटी हो और जिनको बड़ी ट्रांजेक्शन करनी हो, बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन करनी हो, वो इसको यूटिलाइज कर सके। लेकिन हाँ, इसमें एक इश्यू और है। अगर आप बिटकॉइन का यूज कर रहे हैं और आपने अपने अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड भूल गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उस पासवर्ड को बदलने के लिए या तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, या फिर आपको कोई उसका प्राइवेट की जो DNS की है जो उसमें होती है वो डालनी पड़ेगी। एंड अगर आपने वो मिसप्लेस कर दी तो भाई बहुत बड़ा इशू है, फिर आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। वो स्पेशली जब अकाउंट बनता है ना बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का, तो वो खुद बोलते हैं कि आप इस प्राइवेट की को या तो कहीं लिख लो या कहीं याद रख लो। अगर आप ये भूल गए तो आप इस अकाउंट को तब तक नहीं एक्सेस कर सकते, ना आप एक्सेस कर सकते ना कोई एक्सेस कर सकता, जब तक आपको वो चाबी यानी कि प्राइवेट की मिल ना जाए। ये बेसिकली ऐसे ही है कि आपने तिजोरी के अंदर करोड़ों रुपए रख दिए, तिजोरी की चाबी बंद कर दी एंड वो चाबी अपनी जेब में रख ली, एंड अगर वो चाबी मिसप्लेस होगी तो आप तिजोरी को तोड़ के पैसे निकाल सकते हो, लेकिन यहां वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो ऐसा है कि तिजोरी को किसी तरह तोड़ के पैसे निकाल लेंगे। लेकिन ब्लॉकचेन इस कदर बनाया गया कि आप उसे तोड़ भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, आपको कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा कि वो प्राइवेट की आपके पास वापिस आ। अभी तक तो गाइस यही इसका सोल्यूशन बना है, प्राइवेट की के थ्रू आप उसे एक्सेस करो एंड अपनी ट्रांजेक्शन का पता करो आई है कि गई है। एंड अगर आपकी प्राइवेट की मिसप्लेस होगी तो बहुत बड़ी दिक्कत है। एंड इसमें दूसरा ड्रॉबैक ये है कि आपके पास अगर इंटरनेट नहीं है तो भी ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती, एज सिंपल एज दैट। सो इसी कारण से फ्यूचर की करेंसी कहा गया, बट जैसे कि मैंने बताया कि इसमें ड्रॉबैक है, इसमें पैसों का इशू आ सकता, पैसों नहीं मतलब अगर आपने एड्रेस इन द सेंस सिक्योरिटी की भूल गए तो दिक्कत है, पासवर्ड भूल गए, पासवर्ड आप तब ही री फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो अगर आपके पास वो सिक्योरिटी की है, या फिर आपने जो ईमेल एड्रेस डाला है, ईमेल एड्रेस हो गया या नंबर डाला वो अगर आपके पास है देन इट्स पॉसिबल, एल्स तो कुछ नहीं। अब आप बोलोगे यार ये तो गूगल पे में भी है, भाई गूगल पे में भी ये ड्रॉबैक है, तभी तो मैं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी ज्यादा, क्योंकि गूगल के सर्वर में आपका डाटा स्टोर है, लेकिन ब्लॉकचेन में आपका डाटा तो स्टोर है ही नहीं, सिर्फ आपका जो ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये इंफॉर्मेशन स्टोर है, जो कि बहुत कम अमाउंट में है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी स्टोर नहीं है, बाकी बैंक डिटेल्स आपकी स्टोर है। तो ये फुली एनक्रिप्टेड सिस्टम है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में तो क्या होता है ना कि वो एक सिस्टम के अंदर स्टोर है, लेकिन ब्लॉकचेन में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक किसी भी सिस्टम में स्टोर नहीं है, वो एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में वर्क करता है। इट्स अ काइंड ऑफ एंड, मतलब आपका यहाँ से डाटा गया लॉग, फिर अगले सिस्टम गया लॉग, फिर अगले सिस्टम गया लॉग, तो आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रही है, पर किसी को पता नहीं चल रहा कि ट्रांजेक्शन किस पीसी से हो रही है। अगर वो पता भी लगाना चाहेगा तो उसको पता नहीं चल सकता, क्योंकि वो कितने कम समय में होती है ना, अगर इंटरनेट बेसिकली जब आप ट्रांजेक्शन करते हो ना तो वो उन सिस्टम के पास में जाएगी जहां पे इंटरनेट अनलिमिटेड होगा या फिर इंटरनेट की सप्लाई होगी। आजकल वाईफाई रूटर लगे होते हैं सब जगह, तो उसमें अनलिमिटेड इंटरनेट है, सो बेसिकली यहां से आपकी ट्रांजेक्शन ऐसे करके सिस्टम बाय सिस्टम जा रही है, तो सामने वाले को पता ही नहीं है उस ट्रांजेक्शन किस सिस्टम से हुई है, किस सिस्टम तक जाएगी और किस सिस्टम पे आगे जाके रुकी। आगे में जाके जब कंप्लीट हो जाती है तो आपको दिखता है कि आपकी ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, एंड फिर आप जिसको सेंडर तो आप रिसीवमेंट को आप कॉल करके या इंफॉर्मेशन से पूछ सकते हो कि हाँ भाई पैसे आ गए कि नहीं। हाँ, अगर वो बोले हाँ भाई पैसे आ गए, देन ओके,
इफ इट नॉट देन इट मैटर्स बिकॉज क्या है गूगल पे सबसे सिक्योरिटी सिस्टम क्यों हमें लग रहा है कि स्कैन करो पे करो 5 सेकंड देता पे हो जाओ तो वहां पे फिर भी हमारी इंफॉर्मेशन तो दिख रही है ना नो डाउट ट्रांजेक्शन 5 सेकंड के अंदर ऑनलाइन यूपीआई बैंकिंग से हो रही है लेकिन हमारी डिटेल्स तो दिख रही है ना हमें हर ट्रांजेक्शन में हमारी डिटेल्स हमें दिखती है और सामने वाले को दिखती है लेकिन बिटकॉइन में ऐसा है ही नहीं वहां तो सिस्टम ही है वहां सिर्फ एक टोकन नंबर है मतलब एंड वो नंबर जाता है बस और कुछ नहीं जाता और कोई इंफॉर्मेशन जाती है और वो नंबर भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नंबर होता है कि अगर मैं भी उसे याद रखना चाहूँ ट्रांजेक्शन नंबर को याद नहीं रखना चाहूँ याद भी नहीं रहेगा क्योंकि वो अल्फा न्यूमेरिक मिक्स नंबर होते हैं उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होते हैं वो एक अल्फाबेटिक न्यूमेरिक नंबर मिक्सचर होते हैं उसमें कैपिटल लेटर भी होते हैं लोअर केस लेटर्स भी होते हैं नंबर भी होते हैं 0 to 9 के बीच में न्यूमेरिक सो बेसिकली वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नंबर है हमारा आईपी एड्रेस होता है ना आईपी एड्रेस की तरह दिखता है वो बेसिकली एक आईपी एड्रेस जैसा दिखेगा लेकिन उसे ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि नंबर चेंज होता है आप ये भी कर सकते हो अगर आपको ज्यादा ही सिक्योरिटी चाहिए तो आप सेकंड्स में जो चेंज नहीं होते उसके एनक्रिप्शन एनक्रिप्शन नंबर को चेंज कर सकते हो बार 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 तो नंबर चेंज होता रहेगा तो आपको हर बार कुछ नया सिक्योरिटी कोड मिलेगा लेकिन वो बेसिकली तब आप करो अगर आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड ऐसी जगह पे लिखा हुआ है या आप उसे याद रख सको इतना इजी बनाओ यूजर नेम पासवर्ड जो आप याद रख सको लेकिन सामने वाले के लिए वो मुश्किल आपके लिए वो इजी हो सामने वाले की मुश्किल हो तो इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा ऐसा क्या मैं पासवर्ड रखूं जो मेरे ही याद रहे और किसी को याद ही ना रखे समझने भी ना है अब ये हर इंसान के अकॉर्डिंग डिवाइड करता है मैटर करता है कि कौन कैसे ट्रांजेक्शन करना चाहता है कितनी ट्रांजेक्शन करना चाहता है बड़ी छोटी तो यहाँ पे ये इशू सबसे बेस्ट है मतलब एक इशू यही है इंटरनेट का लेकिन यह फायदा ये है कि बड़ी से बड़ी ट्रांजेक्शन कर सकते हो कितनी बड़ी ट्रांजेक्शन कर सकते हो डेट डिपेंड्स जब मैं बता रहा हूँ एक बिटकॉइन का प्राइस 60,000 USD है 60,000 US डॉलर इंडियन रुपीस में एक बिटकॉइन का प्राइस तकरीबन अगर मैं इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो ये बैठ जाएगा कितना बैठेगा ये कुछ 50-60 लाख रुपए तो एक बिटकॉइन का प्राइस इंडियन रुपीस में 50-60 लाख रुपए है तो इतने में तो भाई कुछ हो सकता है हो सकता है लेकिन बिटकॉइन के लिए जो माइनिंग करी जाती है माइनिंग इन द सेंस बिटकॉइन कमाने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं वो बहुत टफ है क्योंकि बिटकॉइन के लिए आपको कंटिन्यूअस इंटरनेट चाहिए कंटिन्यूअस सिस्टम चाहिए तभी जाके आप बिटकॉइन कमा सकते हैं लेकिन एक बिटकॉइन निकालने के लिए आपको 10 अक्षरों तक जाना पड़ेगा मतलब कि ये जो कॉइन ECX है इनसे आप 100 रुपए का अगर बिटकॉइन खरीदेंगे तो वो ऐसे अगर 0.00001 2 3 बिटकॉइन तो आप सोचो वो 8 से 10 अक्षरों तक जाता है तब जाके बिटकॉइन एक सिंगल बनता है लेकिन एक बिटकॉइन बनाने में इतना खर्चा आता है इमेजिन करो 10 अक्षरों में सिर्फ लास्ट का 3 अक्षर आपके 100 रुपए इन्वेस्ट करने से आ रहा है आप जितने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते जाओगे नंबर बढ़ता रहेगा तो ये नंबर पूरा जब जुड़ेगा तब जाके वो एक बिटकॉइन काउंट हो तब खुद सोच रहे हो जब आप इतनी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तब जाके वो एक बिटकॉइन बनेगा तब आप उस एक बिटकॉइन को यूज कर सकते हो लेकिन उसे डायरेक्टली तो आप यूज नहीं कर सकते ना आपको करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले उसे कुछ डिजिटल करेंसी को किसी वॉलेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आप उस वॉलेट में कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो क्रिप्टो करेंसी मार्केटिंग में आप कर सकते हो मतलब जैसे स्टॉक मार्केट यानी कि ये जो आजकल चलती है यार इसको मैं हिंदी में तो मुझे पता नहीं स्टॉक मार्केट को क्या बोलते हैं तो सट्टा बाजार बोल तो स्टॉक मार्केट में जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं 50 रुपए 100 रुपए शेयर्स खरीदते हैं किसी भी कंपनी के किसी भी ब्रांड के हम शेयर्स खरीदते हैं उनका आईपीओ एड्रेस देख के हम शेयर्स खरीदते हैं एक शेयर खरीद रहे 5 शेयर 10 शेयर 100 शेयर दैट डिपेंड्स कि हमारी कैपेसिटी कितनी है तो उसमें उसका फ्लो होता है अप की डाउन कि वो जो उसका ग्राफ है स्टॉक का ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा दैट डिपेंड्स दैट मैटर्स हमें नहीं पता उसका स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला किसी भी ब्रांड का जो स्टॉक खरीदे हैं कंपनी का फॉर एग्जाम्पल सबसे फेमस स्टॉक लगा लो अभी लॉन्च हुआ है एक्चुअली ना इतने सारे स्टॉक्स हैं कि एक एक को हम सीक्वेंस में डाल सकते हैं लेकिन उसके लिए प्लेटफॉर्म है अपस्टॉक्स करके अपस्टॉक्स में जब कोई शेयर खरीदते उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखी जाती है ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है निफ्टी हो गया है सनसेक्स हो गया तो इनके जो स्टॉक्स होते हैं वो बहुत बड़े लेवल पे लोग खरीदते हैं
बड़े बड़े जो बहुत ही अमीर लोग हैं, बहुत ज्यादा रिच लोग हैं, वो इन पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड देन देखते हैं कि इस पे कितना रिटर्न मिलेगा, आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा। जैसे उन्होंने सपोज 100 रुपए का स्टॉक खरीदा, 10 शेयर खरीदे, तो 100 रुपए × 10 हो गया कितना हुआ, 100 × 10 1000 रुपए। उन्होंने 1000 रुपए का एक कंपनी का शेयर खरीद के रख लिया अपने पास और सिक्योरिटी खरीद के देखते हैं इसका प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे। फिर आपने देखा कि उसका प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, जब उसका प्राइस ऊपर जा रहा है तो आपने देखा कि प्रॉफिट कितना है, अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो आपने स्टॉक को सेल कर दिया। इसमें होता है इंट्राडे मार्केट से आपने उसे सेल किया, इंट्राडे का मतलब होता है एक ही दिन उसे सेल किया कि नहीं, या फिर आपने उसे टाइम लगा के सेल किया। इसी तरह से म्यूचुअल फंड्स है, इसी तरह से ये एक और भी लॉन्च हो रहा है, मेरे दिमाग से निकल गया। एक तो म्यूचुअल फंड्स हो गया जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, फिर वो थोड़े टाइम के बाद उस पर हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगता रहता है, उसको निकालते हैं। एफडी फिक्स डिपॉजिट बेसिकली क्या है, हमने थोड़ा सा अमाउंट रख दिया भाई बैंक में और बोल दिया कि हमें इमरजेंसी में जब जरूरत हो, जैसे होता नहीं गुल्लक के अंदर आपने पैसे डाल के छोड़ दिए एंड जब जरूरत हो तोड़ो उसमें से पैसे ले, तो उस हिसाब से हम उस पर एफडी बनाते हैं 2 साल की 5 साल की 10 साल की। एंड इसकी क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स में ऐसा होता है, हम पैसे मंथली बाय मंथली उसे दे रहे होते हैं बैंक को और उससे हमें बाद में इंटरेस्ट मिलता है थोड़ा। अब ये तो हो गई थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का ऊपर ऊपर से, लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैसे वर्क करते हैं। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी सेम सिस्टम है, लेकिन उसका थोड़ा सा अलग है कि उसमें डिजिटल करेंसी का ट्रांजेक्शन होता है। जैसे यहाँ तो स्टॉक मार्केट में आप INR की करेंसी को यूज कर सकते हो, इंडियन रूपीज को यूज कर सकते हो, लेकिन जो बिटकॉइन करेंसी मार्केट होते हैं वहां पे सिर्फ बिटकॉइन, इथरनियम, डॉज कॉइन एंड और भी बहुत सारे हैं यार, मैं बता रहा हूँ डॉज DCX करके, इतने सारे करेंसीज हैं, डिजिटल करेंसीज बन चुके हैं। जैसे इंडियन रूपीज की करेंसी है, विदेश की करेंसीज है अलग अलग, इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी में भी बहुत सारी करेंसीज है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, डॉज कॉइन है, उसके आगे और करेंसीज है। तो ये सारी करेंसीज का प्राइस ऊपर नीचे चलता रहता है कि आप किसी भी करेंसी में ट्रांजेक्शन करोगे तो आपका क्रिप्टो करेंसी में तो प्राइस का फर्क पड़ता है। लेकिन जो मोस्ट फेमस, सबसे ज्यादा फेमस क्रिप्टो करेंसी है वो बिटकॉइन है। ₹16,000-17,000 लेकिन बिटकॉइन का प्राइस 50-60 लाख रुपए क्यों है, क्योंकि बिटकॉइन सबसे पुराना है, एथर्नियम बाद में आया था मेरे ख्याल से 17-18 में, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, तो वो बाद में आया था, तो इसी कारण उसका प्राइस ऊपर नीचे चलता रहता है। बिटकॉइन 2010 पे, तो उसको ऑलमोस्ट अभी कौन सा साल चला है, 2024, तो 14 साल हो चुके हैं बिटकॉइन को, ऑलमोस्ट 14 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 2008 में एक प्रोजेक्ट आया था, कुछ कंपनीज या कुछ बंदों ने सोचा था कि हम ऐसी करेंसी बनाएंगे जो कि सबसे सेफेस्ट होगी, तब बिटकॉइन का उनके दिमाग में आइडिया आया था, तो उन्होंने 2008 में इसको लॉन्च किया था। बट उस टाइम ये बिटकॉइन ज्यादा किसी को पता ही नहीं था, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं, ठीक है, तो उस टाइम ये बस जस्ट एक प्रोजेक्ट था, एक नाम था कि बिटकॉइन नाम की भी कोई करेंसी फ्यूचर में आएगी। किसी बंदे ने बोला कि मैं ना एक ऐसी करेंसी बनाऊंगा जो डिजिटल करेंसी की फॉर्म में फ्यूचर में लोग यूज करेंगे, उससे क्या होगी, तो लोगों ने उस टाइम उसका मजाक बनाया, ऐसी तो कोई करेंसी आ ही नहीं सकती। तो अब अगर यही देखा जाए इसमें एग्जांपल, तो गूगल पे का जो ऑनलाइन यूपीआई ट्रांजेक्शन है, इसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था, उन्होंने भी यही बोला था हम एक ऐसी ट्रांजेक्शन लेके आएंगे कि लोग इंटरनेट के थ्रू ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो लोगों ने बोला अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है यार, हमारे पास में ट्रेडिशनल करेंसी है, 400 रुपए के नोट ही चलेंगे। फिर थोड़े टाइम के बाद ये जब लॉन्च हुआ यूपीआई वाला पेटीएम के थ्रू, एक बंदे ने स्टार्टअप उसको स्टार्ट किया, उसको ग्रो करके फेमस हो गया, देन फिर गूगल ने भी अपना लॉन्च कर दिया, ऐसे चलता है बिजनेस। अब आते हैं बिटकॉइन पे, बिटकॉइन का आइडिया भी सेम ऐसे प्रपोज किया था कुछ लोगों ने, हम एक ऐसी करेंसी लेके आएंगे जिसमें लोगों की इंफॉर्मेशन ली नहीं जाएगी। तो ये बिटकॉइन का आइडिया यूपीआई ट्रांजेक्शन से भी पुराना है, तो आप आज के टाइम में देख सकते हो कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी कितना 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 ज्यादा फेमस हो चुका है। क्यों फेमस हुआ, क्योंकि वो फेमस भी स्टार्ट हुआ था कोविड में, कोविड के टाइम पे हम बाहर तो जा नहीं सकते थे, कहीं भी नहीं जा सकते थे, तो हम घर में बैठे, लॉकडाउन हुआ था ना जब कोविड के टाइम, जब लॉकडाउन हुआ तो भाई सब घर में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन तब भी लोगों को पता नहीं था। तो जब लोग घर में ही बैठे थे, खाली बैठे थे, इंटरनेट तो था उनके पास अनलिमिटेड वाईफाई था, तो उन्होंने यूट्यूब पे देखा क्रिप्टो करेंसी की वीडियोस। आई तब एक टीवी शो फेमस हुआ था
क्या नाम है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, उसका नाम है द बिग बुड। हर्षद मेहता का नाम आपने सुना होगा, जो इंडिया का सबसे अमीर इंसान था स्टॉक मार्केट की दुनिया का गॉडफादर है। तो वो बंदा इतना अर्न कर चुका था, मतलब जो विदेश की सबसे बड़ा बैंक है ना, सबसे बड़ा बैंक गवर्नमेंट का, उसमें भी टॉप में जितने भी अमीर लोग हैं उसमें आई थिंक उसका अकाउंट का नाम सबसे टॉप की लिस्ट में आता है। एंड हर्षद मेहता आई थिंक सो 1980 के टाइम, हाँ 1980-1990 के टाइम पे खरबपति था, मतलब खरबपति तो नहीं कहते करोड़पति था। यूं समझ लो कि अमिताभ बच्चन 1990s के टाइम में क्या फेमस था, किस नाम से, द एंग्री यंग मैन, ठीक है, वो सबसे फेमस था। लेकिन हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहते थे उसे, इतना ज्यादा फेमस था वो कि अगर वो कह देता था कि इस स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करो वो ग्रो करेगा, वो ग्रो करता था चाहे कैसे भी करे, पता नहीं भाई। तो लोगों ने उसको भगवान मान लिया, वाओ ये कैसे कर रहा है भाई, ऐसी कैसी कैलकुलेशन करता है वो, तो ये कैलकुलेशन कैसे कर रहा है, उसमें टीम थी बहुत बड़ी टीम थी, वो सारे आपस में मैनेज। सो अभी एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ, उस समय हर्षद मेहता के टाइम पे स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा था, लेकिन इतना ग्रो नहीं किया था। हर्षद मेहता के पास पैसा बहुत लगा, तो ऑब्वियसली बात है ना, इनकम टैक्स वाले ने पूछा, भाई साहब आपके पास इतना पैसा आ कहां से है, तो हर्षद मेहता ने सारे प्रूफ दिखा दिए, ये लो भाई यहां से। और लोगों को मतलब जो गवर्नमेंट अपने सो हैरान मान थी, इसके पास सारे प्रूफ है, ट्रांजेक्शन ये कैसे कर रहा है। लेकिन उस समय इसके हमारे पास सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी, लेकिन हमें ज्यादा नहीं। लेकिन 2010 आई थिंक हर्षद मेहता उससे पहले उसकी किलो था, वो 1990 के टाइम। तो अब आप ये सोच के देखो, यही इंफॉर्मेशन जो हर्षद मेहता को स्टॉक के बारे में पता, ठीक है, तो जो विदेश में स्टार्टअप होते हैं बहुत सारे, वहां पे लोगों ने स्टॉक मार्केट के बारे में पता ही था काफी सालों से, काफी सालों से पता था स्टॉक मार्केट के बारे में। तो उन्होंने और सोचा कि यार और कोई ट्रांजेक्शन का जरिया निकाला जाए, स्टॉक में तो पैसा नहीं इन्वेस्ट कर देगा लाख रुपए करोड़ रुपए, डिपेंड लोग डूबते हैं उगते हैं वो नहीं है, वो चलता रहता है। लेकिन फिर एक आइडिया प्रपोज हुआ, जब कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर की दुनिया से हमें जानकारी मिली, तब हमें ग्रोथ हुई यूपीआई बैंकिंग की, जब कोडिंग वगैरह बहुत सिंपल होने लगी तब ग्रोथ होने लगी यूपीआई बैंकिंग की। एक सॉफ्टवेयर बनाया किसी विदेश के बंदे ने कि मैं ऐसी ट्रांजेक्शन करूंगा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जिसे कहते हैं यूपीआई बैंकिंग, कि बैंक से पैसा ट्रांसफर हो जाए, हमें जाने की जरूरत ही ना पड़े, हमें सिर्फ स्कैन करना पड़े क्यूआर कोड। हाँ, इसमें दिक्कत यह है कि ट्रेडिशनल करेंसी के लिए आपको पैसे देने के लिए जाना पड़ेगा, खुद जाना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग में क्या है, आप अपना नंबर दे दो यूपीआई आईडी एंड आपकी ट्रांजेक्शन हो जाए, एंड उसमें बीच में अगर क्यूआर कोड है देन डिफरेंस, देन डिफरेंस। लेकिन बिटकॉइन में क्या है, वहां पर सिर्फ एक टोकन एड्रेस है, आपको वो नंबर डालना है, अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी ट्रांजेक्शन हो जाएगी, आपको ना डन करना है ना रिजेक्ट करना है, हाँ बस एक्सेप्ट करना है कि आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो कि नहीं, यस या नो, आपने यस किया आपकी ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली टाइम पे एक हो जाएगी, स्पेसिफिक टाइम पे हो जाएगी, जब सिस्टम बाय सिस्टम वो पहुंच जाएगी ना जिसको आपको पैसे भेजने चले जाएंगे, एंड बीस सारा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक इशू ये है कि अगर आपने किसी कारणवश उस कमांड को रिजेक्ट कर दिया और बाद में आपको लगा बाई मिस्टेक हो गया, तो वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगी, रुक जाएगी, तो कटेंगे नहीं पैसे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यूपीआई बैंकिंग में पैसे जब ट्रांसफर होते हैं कट भी जाते हैं एंड आपको रिटर्न भी नहीं मिलते, लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं है, वो इंस्टेंट रिटर्न हो जाते हैं, क्योंकि बिटकॉइन बनाया ही इस ढंग से गया है कि उनको पता है कि अगर आपने ट्रांजेक्शन कैंसिल करिए कोई ना कोई रीजन होगा उसके पीछे, तो ट्रांजेक्शन वापस ऑटोमेटिकली आपके पास रिटर्न हो जाती है। इसी कारण से बिटकॉइन को सबसे सिक्योर बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि आपकी ट्रांजेक्शन आपके पैसे आपके पास वापस आ जाएंगे, रुकेंगे नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि सिस्टम बाय सिस्टम चल रहा होता है। इट्स लाइक अ जैसे यूट्यूब वीडियो की जब एडिटिंग करी जाती है यूट्यूब की, तो वीडियो की एडिटिंग प्रोसेसिंग होती है ऐसे करके 10%, 20%, 50%, अगर आपने कैंसिल कर दी तो वो आपकी ट्रांजेक्शन मतलब उसकी जो प्रोसेसिंग वो फेल हो जाएगी, एंड वो जो वीडियो है वो एडिटिंग ही हो, तो वही हुई है, मतलब वीडियो देखी हुई, काम भी कुछ नहीं हुआ और नुकसान भी कुछ नहीं हुआ। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको इसमें कोई भी यूपीआई आईडी की इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत ही नहीं, आपको सिर्फ एक सिक्योरिटी की डालने की जरूरत है, एक बार आपने सिक्योरिटी की डाल दी वैसे आपको फिर बताने की जरूरत है, आपको सिर्फ इतना बोलना है हाँ भाई मैं बिटकॉइन भेज रहा हूँ, 2 बिटकॉइन भेज रहा हूँ या 3 बिटकॉइन भेज रहा हूँ, ये रहा मैंने डाल दिया, ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, तो उसने बोलते ओके ठीक है, बात इतनी बात करिए आपने और ऑटोमेटिकली अपने टाइम पे वो हो जाएगी।
एंड आपको फिर इंफॉर्मेशन आ जाएगी कंग्रेचुलेशन आपकी बिटकॉइन की करेंसी उस अकाउंट मतलब उस आईपी एड्रेस या उस टोकन एड्रेस पर जा सकती है। आप चाहे तो आप एक्सेस करके देख सकते हैं, आपने उसे एक्सेस किया एंड आपको पता चल जाएगा। ब्लॉकचेन मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट सिस्टम एक पीसीएफ सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हो कि आपका टोकन एड्रेस जो है इस समय स्टार्ट हुआ था एंड इस समय उस दूसरे टोकन एड्रेस तक आपके पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। एंड सेम ऐसे आपके पास डाटा रहेगा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बहुत सारे लोगों का डाटा होता है जब कितनी बिटकॉइन ट्रांसफर डिपेंड्स। लेकिन अभी भी क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर की करेंसी है क्योंकि देखो यार इंडिया की पॉपुलेशन आई थिंक 1.45 बिलियन है, 1.47 बिलियन है एंड ऑलमोस्ट पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन है, 8.1 बिलियन। तो इतने लोग में से कितने लोग ट्रेडिशनल करेंसी में फंसे हुए हैं, कितने लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं, कितने लोग क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं हमें नहीं पता। क्योंकि देखो ट्रेडिशनल करेंसी तो सदियों से है, ट्रेडिशनल करेंसी तो सदियों से है, ऑनलाइन बैंकिंग का सिस्टम कुछ साल पहले आया लेकिन वो काफी साल हो चुके हैं उसको, आई थिंक बहुत टाइम बीत चुका है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिस्टम को। लेकिन बिटकॉइन तो अभी अभी लॉन्च हुआ है, 2010 में तो उसका आइडिया आया था लेकिन बिटकॉइन को असली पॉपुलैरिटी कोविड के टाइम में थी। कोविड के टाइम पे बिटकॉइन ज्यादा पॉपुलर हुआ है क्रिप्टो करेंसी मार्केट स्टॉक मार्केट की, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हम स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी के भी स्टॉक होते हैं क्योंकि बिटकॉइन का स्टॉक ऊपर नीचे चलता रहता है। अब आप यूएसडी डॉलर में आप बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट कर सकते हो लेकिन जैसे स्टॉक मार्केट में आपको मिनिमम पैसे इन्वेस्ट करना है 100 रुपीज जो कि आजकल ग्रो ऐप अपस्टॉक्स ने करा हुआ है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में क्या है आपको मिनिमम $10 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, $10 हो गए, $20 हो गए, $50 मिनिमम इन्वेस्टमेंट करो एंड आपका काम हो जाए। आजकल तो वैसे एआई इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि आप एआई के थ्रू भी क्रिप्टो करेंसी स्टॉक मार्केटिंग कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट करो $10 की एंड एआई के थ्रू एक सिमुलेशन सिस्टम पे डाल दो एंड एआई को बोल दो कि अपने आप डिसाइड कर ले कि मेरा स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे एंड मुझे बता दे एंड एआई अपने दिमाग से सोच के आपको इंफॉर्मेशन देगा कि ऐसे ऐसे करके ट्रांजेक्शन पूछ लिया। आप उसमें एक स्टॉप एंड लॉस का सिस्टम डाल सकते हो कि मिनिमम आपने लिमिट डाल दी, लिमिट इन द सेंस जैसे इंटरनेट की डाटा लिमिट होती है ना कि आपने किसी को रूट वाईफाई का कनेक्शन दिया कि मिनिमम 1 GB से ज्यादा आपका डाटा यूज नहीं करेगा, अगर उसने आपका 1 GB से ज्यादा यूज किया आपका हॉटस्पॉट ऑफ हो जाएगा। सेम आप जब ट्रांजेक्शन करोगे क्रिप्टो करेंसी की एआई फॉर्म में तो वहां पे आप ये कर सकते हो कि आप लिमिट डाल दो कि मेरे सिर्फ मिनिमम आज की पूरे दिन में सिर्फ 1000 USD करेंसी मुझे इन्वेस्ट करनी है, $1000 भी मुझे इन्वेस्ट करने से ज्यादा मुझे इन्वेस्ट करने ही नहीं है, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ $1000 या $500 ही इन्वेस्टमेंट है। मैंने कर दिया स्टार्ट सुबह 9:30 बजे मार्केट खुलती है स्टॉक मार्केट की, आपने लगा दिया भाई कि हाँ भाई चल सो जा शुरू, एआई अपने दिमाग से करता रहेगा आप इतना और कोई काम करके आ सकते जो भी आपको जरूरी काम एंड एआई अपने दिमाग से करता रहेगा एंड जब उसे दिखेगा कि ₹500 कंप्लीट हो गए वो वही मुझेगा। इट्स लाइक अ वीडियो की तरह, यूट्यूब आपने प्ले करी 10 मिनट हो गए आप अपने आप उसे रोक दोगे लेकिन यहाँ आप रोक रहे हो, एआई अपने आप उसे रोक देगा अपने हिसाब से सोल्यूशन सोच के कि कितना मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है। एआई अपने दिमाग से दिमाग लगाएगा एंड जब उसे दिखेगा कि $500 कंप्लीट हो चुके हैं वो वहीं पे स्टॉप कर देगा, तब उस बीच में आपका लॉस होगा कि प्रॉफिट आपको दिख जाएगा एंड जब आप वापिस आओगे तो आप ये देख सकते हो कि आपका प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। अब यहाँ पे बेनिफिट ये है कि एक इंसान हम इंसानों से गलतियां हो सकती हैं लेकिन एआई से गलतियां नहीं होती क्योंकि एआई बनाया ही ढंग से गया है कि उससे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है। मतलब ये समझ लो अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई ट्रांजेक्शन में तो वो आपकी गलती है लेकिन अगर एआई से मिस्टेक होगी तो वो एआई की गलती है। लेकिन एआई में हम एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, आज के टाइम में एआई एडवांस हो चुका है लेकिन इतना भी एडवांस की बात वो गलतियां ना करे, एआई गलतियां कर रहा है। इसी कारण से ये जो बिटकॉइन की क्रिप्टो करेंसी मार्केट है ये आज के टाइम में बूम कर रही है क्योंकि जो लेटेस्ट बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं मार्केटर्स हैं जो बहुत बड़े लेवल पे बैठे हैं जैसे हम तो मैं तो बात कर रहा हूँ सिर्फ लाखों की, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो खरबों रुपए की ट्रांजेक्शन करते हैं बहुत बड़े लेवल पे तो उनको ऐसे टूल्स की जरूरत पड़ती है। इनको बोला जाता है एआई ट्रेडिंग सिस्टम एल्गोरिथम ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग बोल सकते हैं जो आज के टाइम में बहुत 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 ज्यादा फेमस हो रही है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है, अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है, बिटकॉइन के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो कैसे ट्रांजेक्शन करी जाती है, कैसे उसको यूज किया जाता है एंड अगर आप एल्गो ट्रेडिंग से कोई सिमुलेशन सिस्टम बना सकते हो तो भाई से आपको जॉब भी मिल सकती है, आपकी प्लेसमेंट तक हो सकती है,
क्योंकि ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट और ये समझ लो ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो जैसे यूट्यूब पे आपका वीडियो बनाओ, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाओ, तो ट्रेंडिंग में अगर आप रील्स पे बनाओगे एकदम वीडियो आपकी बूस्ट करती है ना, व्यूज मिल जाते हैं। इसे वैसे बिजनेस के व्यू में जो क्रिप्टो करेंसी का टॉपिक है वो कोविड के टाइम से बूम कर रहे हैं, 2020 से लेके आए थे तब बैन हुआ था ये लॉकडाउन था अप्रैल नहीं मार्च 2020, तब भी समझ लो इसका ग्रोथ ओटीटी प्लेटफॉर्म के बाद नवंबर 2020 से लेके अभी करंटली कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर 2024 है, 4 साल पूरा होने को आए क्रिप्टो करेंसी की मार्केट को आई ग्रो 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 ऐसे बढ़ रहा है, मतलब बिजली की रफ्तार से बढ़ रहा है, इतने ज्यादा लोग इसके पीछे पागल हो जा रहे हैं कि क्या है बिटकॉइन, क्या है क्रिप्टो करेंसी, कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं, कैसे ये कैसे वो, तो इसमें गलतियां बहुत। तो इसी कारण से अगर आप कभी भी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के बारे में जाने तो एक बार आप या तो यूट्यूब से देख लें या आप गूगल करें कि क्रिप्टो करेंसी आगे होता क्या है, बिटकॉइन आगे होता क्या है, ताकि आपके पैसे गलत जगह पे ना जाएं, आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। पछतावा करने से अच्छा रिसर्च कर लो, खुद पता कर लो कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है। बाकी अगर आपने मेरे पॉडकास्ट देख रहे हो तो आपको समझ आ ही गया होगा कि बिटकॉइन बेसिकली डिजिटल करेंसी है जिसमें ट्रेडिशनल फॉर्म का एडवांस वर्जन है, जहां पे आप पैसे ट्रांसफर करते हो लेकिन आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती। अब एट लास्ट में समअप करता हूं सारे पॉडकास्ट को, लास्ट में बताता हूं कि हमने आज के पॉडकास्ट में क्या सीखा था। हमने ये पता किया कि जो ट्रेडिशनल करेंसी है उसकी इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट तक रहती है सीरियल नंबर के फॉर्म में, एंड उसके बाद अगर आपका नोट खो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड आता है कैटेगरी जिसको बोलते हैं ऑनलाइन यूपीआई बैंकिंग सिस्टम, जहां पर आप ट्रांजेक्शन करते हो ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से, यहां पर आपको इंटरनेट की जरूरत है एंड आपकी ट्रांजेक्शन हो जाएगी, लेकिन यहाँ एक दिक्कत यह है कि आपकी इंफॉर्मेशन तो जाएगी और सिस्टम में भी आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी सेंडर और रिसीवर। लास्ट जो है बिटकॉइन जो फ्यूचर करेंसी है, यहां पे आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन ना स्टोर होगी ना जाएगी, सिर्फ आपका एक टोकन एड्रेस की फॉर्म में एक नंबर स्टोर होगा ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर में, एंड वो नंबर सिर्फ आपको दिखाएगा कि आपकी ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट हुई है कि रिजेक्ट हुई है, दैट्स इट। हाँ, बस इतना है कि यूपीआई में और बिटकॉइन में दोनों में इंटरनेट की तो रिक्वायरमेंट है। अब देखो अगर आप यूपीआई बैंकिंग लेके आए हो इंटरनेट की, तो ऑब्वियसली बात है ना ब्लॉकचेन भी तो इंटरनेट से चलेगा। अब अगर इंटरनेट का ही आप कह रहे हो कि प्रॉब्लम बनेगा, ऐसे तो भाई एआई जो चलती है एआई भी इंटरनेट से काम करती है, ऑफलाइन एआई मिली है कहीं पे? अभी तक ऑफलाइन एआई नहीं है, अभी तक सिर्फ जो एआई है वो इंटरनेट वाली एआई है। गूगल की जो जेमिनी है, गूगल जेमिनी एआई भी इंटरनेट के थ्रू ही चलेगी, इंटरनेट बंद कर दो ऑफलाइन एआई अगर नहीं आई है। आज के टाइम में जो रोबोट्स हैं, जो रोबोट्स डेवलप करे जा रहे हैं यूएस में, बोस्टन में, वॉशिंगटन डीसी में, तो वो रोबोट्स जो है जर्मनी में, वो रोबोट्स भी अभी ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू ही एआई को एक्सेस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वीक एआई। अभी तक एजीआई नहीं आया है, एडवांस आर्टिफिशियल जनरेटेड इंटेलिजेंस। अभी एजीआई क्या है, एएसआई क्या है, तो एआई क्या है, इसके ऊपर मैं सेपरेट पॉडकास्ट बनाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा एआई क्या है, एजीआई क्या है, एएसआई क्या है। सिर्फ मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एजीआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एएसआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अभी मैं क्या है वेरिएशन, क्या फर्क है, वो तो अगले पॉडकास्ट में आपको पता ही चलेगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।